अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आप क्यों जिद कर रहे हो? मैं ला रहा हूँ ना बाहर से दही बल्ला। अरे बेटा, बाहर के दही बल्ले और घर के दही बल्ले में जमीन आसमान का फर्क होता है। बन जाएंगे ना जल्दी। आप घर में दही बल्ले बनाओ और दादी आकर आपका भरता बनाएंगी। तो वो डरा क्यों रहा है? मुझे पता है कि माँ बाहर गई थी और वो कल आएंगी, तब तक तो मजे लेने दे। ये ले, मेरी असिस्टेंट शेफ भी आ गई। दादी का बेटा, बल्ले बनाने में मेरी मदद करोगी ना? ठीक है, आप बनाइए दही बल्ले, मैं अपनी मीटिंग खत्म करके आता हूँ। और हाँ, मम्मी की डांट से बचे रहना, वरना बता देना, अगर आपका मूड खराब हो तो आपके लिए रबड़ी लेकर आ जाऊंगा। यहाँ डराता रहता है। जा तू, आ जाना टाइम से। हाँ जी, आ जा बेटा। हाँ हाँ, अब क्या वो मित्तल जी की बेटी? ठीक है, पर वो हमारे बेटे के लिए सही रहेगी ना? क्या उन्हें पहले गोलू की फोटो चाहिए? उनसे कहो हमारे बेटे का नाम ही काफी है, गौतम, गौतम बंसल। और बंसल्स को इस शहर में कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। उनसे कहो पहले हम उनके और लड़की के बारे में अच्छे से पूछताछ करेंगे, फिर रिश्ते की बात आगे बढ़ाएंगे। अरे वाह भाभी, आप गोलू के लिए रिश्ता ढूंढ रही हैं? हाँ, वैसे उसकी शादी दिव्यम से पहले हो जानी चाहिए, पर अच्छा हुआ हमने जल्दबाजी नहीं की, वरना क्या पता वो गोलमुखी राधिका मेरे बेटे की पल लेना पड़ जाए। वैसे भाभी, दिव्यम के पापा का नाम ले लीजिएगा, बहुत अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे। सुजाता, बिजनेस भले ही देवर जी संभालते हैं, लेकिन उस पर नाम गोलू के पापा का भी है, उन्हें भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन समझा जाता है। हंस क्यों रही हो? नहीं भाभी, कुछ नहीं। बता भी दो। भाभी, आपके वो बड़े बिजनेसमैन बहुत अच्छा बिजनेस संभाल रहे हैं। कहाँ? किचन में। सुजाता तुम? ताऊ जी, ये चटनी भी तैयार हो गई। वैसे बेटा, एक बात मैंने नोटिस की है, जब तुम भल्ले बनाने आई थी तब तुम्हारा चेहरा लटका हुआ था, और अब जैसे खिल गया। बात क्या है? दरअसल ताऊ जी, हमें ना खाना बनाना बहुत पसंद है। मन कितना भी उदास हो, लेकिन जब हम खाना बनाते हैं ना, तो बहुत खुशी होती है। बेटा, मेरा भी यही हाल है, पर यहाँ ना कोई समझता नहीं। चलो चलो, प्लेट लगाओ। गोलू ने कहा है कि गेस्ट आ रहे हैं, वो भी भल्ले खाएंगे। गोलू के पापा, ये कढ़ाई और कच्ची छोड़कर कभी लैपटॉप भी उठा लीजिए। लैपटॉप से इतने टेस्टी दही भल्ले थोड़ी ना बनते हैं। चक्के देखो, ले बेटा, ताई जी को खिला। ताई जी, लीजिए चखिए, बहुत अच्छे बने हैं। अपने जेठ को तो नौकर बना के ही रखा था, और अब अपने ताया ससुर से काम करवाने में तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं आई? नहीं ताई जी, हमने कुछ करने को नहीं कहा था, ताऊ जी ने अपनी मर्जी से किया है। हाँ कविता, तुम राधिका को क्यों डांट रही हो? ये भल्ले मैं बना रहा था, राधिका नहीं, ये मेरे कहने पर मेरी हेल्प कर रही थी। बस चुप हो जाइए आप। मम्मी जी तिरत क्या गई और आप वापिस रसोई में आ गए? अरे कुछ तो शर्म और लिहाज कीजिए। ताई जी, इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? खाना औरत बनाए या मर्द, इससे क्या फर्क पड़ता है? हमारे घर में तो पापा मम्मी की रसोई में हमेशा मदद करते हैं। तुम्हारे वहाँ मर्द खाना बनाते होंगे, पर हमारे यहाँ मर्द सिर्फ और सिर्फ दफ्तर संभालते हैं। आई बात समझ में? और आप चलिए यहाँ से, चलिए। पापा, भल्ले तैयार हुए कि नहीं? अब भल्लों का नाम सुन के क्लाइंट भी खाने के लिए आए। वाह, सोने पे सुहागा। गोलू, तू तो अपने पापा को समझा सकता था ना? हाँ मम्मी, मैंने बोला था, लेकिन गोलू, तू अपनी माँ की बातों में मत आ।
यहाँ तो वैसे भी मेरे खाने की किसी को कदर नहीं है। तू प्लेट लेकर जा, मैं आता हूँ। राधिका बेटा तू चटनी लेकर आ जा, है ना। क्या हुआ राधिका बेटा, अपने ताऊ जी की बात नहीं मानेगी? आ जा। आज हम लेंगे कविता भाभी के मजे। बहुत ही बढ़िया बनाया। थैंक यू। ये सही है भाभी, दो लोग कमाए और दो लोग मेवा खाए। कुछ लोगों का निठल्लापन उन्हें अंधा बना देता है। जिनके खुद के घर शीशे की हो वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारते सुजाता। मेरे परिवार पर ताना कसने से पहले एक बार अपनी गोलमुखी बहू की तरफ देख लो। एक ही बार में चार लोगों का खाना खाती होगी। जितनी जल्दी आपने खाने का हिसाब लगा लिया उतनी ही जल्दी आप कमाने का भी हिसाब लगा लेती। लेकिन नहीं, वो जिम्मेदारी तो सिर्फ हमारे पति और बच्चे की है। क्या फायदा सुजाता अपने पति और बेटे की कमाई पर इतना घमंड करने का? किस्मत में तो तुम्हारी ये गोलमुखी बहू ही लिखी थी ना। ये क्या बात हुई भाभी, बात बात पर आप हमको हमारी बहू के नाम का ताना ही देती रहती है। तो तुम क्यों मेरे पति और बेटे के पीछे पड़ी हो बताओ? माँ जी, ताई जी, आप दोनों शांत हो जाइए। वो बेमा, तुम चुप करो। प्रीजी, थोड़े से बल्ले और दे दीजिए ना प्लीज, बहुत अच्छे है। सच कड़वा होता है भाभी, लेकिन सच तो यही है कि इस घर के सारे खर्चे सिर्फ हमारे पति और बेटे के दम पर है। सुजाता माँ, प्लीज आप ही शांत हो जाओ। गोलू तू चुप हो जा। और हाँ सुजाता, शायद तुम ये भूल रही हो कि इस घर की बड़ी बहू हम हैं। हे भगवान, ये दोनों तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही है। अच्छा हुआ माँ यहाँ नहीं है। रिश्ते में जरूर है आप इस घर की बड़ी बहू, लेकिन बड़कपन नाम की चीज तक नहीं है। तमीज से बात करो सुजाता। तुमने और तुम्हारी बहू ने भले ही हमारे बेटे को नौकर बनाकर रख दिया, लेकिन हम तुम्हारे नौकर नहीं है। और ये बात तुम अच्छे से याद रखना। हद करती है आप भाभी, किसी भी बात को समझने का आपका नजरिया ही अलग है। दिल का तोड़ बनाने में तो आप माहिर हैं। सोचा था माँ को अचानक यहाँ लाकर सरप्राइज दूंगा, लेकिन ये तमाशा देखकर तो माँ को शौक ही लग गया। मन अति सुंदर सोमवार से रविवार शाम 7:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।